हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको तीन ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं, आपके अंदर एक ज़बरदस्त आग लगा देगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये तीन सक्सेस स्टोरी ज़रूर सुने, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए खुद के अंदर एक आग का होना ज़रूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे, छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते, कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा। और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कंटेस्टेंट जीता, लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्सल बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया, लेकिन वह बंदा वहाँ पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा था, हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय, लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। उसके बाद 1977 फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनान द बारबियन, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसे राजनीतिक में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो वो एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से इनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उससे उम्मीद भी मत रखो, लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने UPSC की तैयारी की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लाइंड होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लगा, लोगों ने ये बोला कि उससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसी लड़के ने अपने मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UPSC क्लियर करके उनके मुंह बंद कर दिए और बन गया IAS राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो, बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है साडियो माने की, जिससे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते थे, ना ही पैसे थे, और ना ही फुटबॉल खरीदने के, यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में ये लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप यह देख रहे हो वह हजारों रुपये का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी, एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, और यह 12 साल का था। तो इसके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त इस बंदे के बाद वह तक ट्रेवल करने के तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का यह लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी इस बंदे के अंदर जब ये अपने फटे हुए जूतों में वह वहां पहुंचा तो लोगों ने उस पर मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के साडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन दोस्तों अपने अंदर लाओ। एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना छोड़ दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ पा सकोगे। सो ये थी तीनों कहानियाँ दोस्तों। इसी तरह हम आपके पास नई नई कहानी, नई नए मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस हम आपको हमारे वीडियो में बताएंगे मेरे दोस्तों। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।